गरीब बाप की पांच बेटी की पत्तों के जोड़े में विदाई। अरे वाह छोटी, तूने कितना सुंदर सूट सिला है। सुमन दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आरती, तुमने वाकई में इस अखबार से बहुत ही खूबसूरत सूट सिला है। हाँ, मगर सूट की कटिंग करते वक्त तो इसके हाथ कैसे काँप रहे थे। राधा, गौरी, सुमन, ज्योति और आरती पांच बहनें थीं जो सरकारी सिलाई सेंटर में सिलाई सीखती थीं। पांचों बहनें आपस में बातें ही कर रही थीं, तभी अंजलि नाम की एक अमीर लड़की वहां आती है। आशा, टेल मी, तुम्हें इस सिलाई सेंटर में फ्री फंड की सैलरी नहीं दी जाती? अच्छे खासे सिलाई सेंटर को मच्छी बाजार बना रखा है। माफी चाहती हूँ अंजलि मैडम जी। इस बार तो मैंने टॉलरेट कर लिया, मगर अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो ये शोरगुल ना हो। एनीवे, ये मेरी शादी का जोड़ा है जिसे सिलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन याद रहे मेरा ये शादी का जोड़ा लाखों का है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सिलना वरना मेरा गुस्सा तुम जानती हो। इस तरह से अमीर घमंडी अंजलि धौंस भरी धमकी के साथ शादी का जोड़ा देकर चली जाती है। तभी राधा कहती है, आशा दीदी कौन थी ये लड़की? आज से पहले तो इसे कभी भी इस सिलाई सेंटर में नहीं देखा। राधा, ये अंजलि है, इस सिलाई सेंटर के मालिक की बेटी। अमीर बाप की बेटी है इसलिए इतनी घमंडी है। अमीरजादी है तो क्या, कुछ भी बोलेगी, हम गरीबों की भी इज्जत होती है। और फिर आशा दीदी, आप उसे उम्र में कितनी बड़ी है, आपको बोलना चाहिए था। मैंने तुम सभी के बारे में सोचकर ही कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस सरकारी सिलाई सेंटर से हर गरीब लड़की हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर सीख सके। यहाँ पर सबसे अच्छी सिलाई तुम पांचों करती हो, इसीलिए ये लहंगा तुम सिलोगी। पांचों बहनें एक साथ मिलकर शादी का जोड़ा सिलने लगती हैं। कुछ ही देर में सिलाई सेंटर की छुट्टी हो जाती है। अब बस लहंगे में गोटे लगाना बाकी रह गया है, चलो घर चलते, पिताजी हम पांचों का इंतजार कर रही होंगे। पांचों बहनें घर चली आती हैं। घर के नाम पर गरीब गिरधर के पास मिट्टी की एक झोपड़ी थी। उस गरीबी में गुजारे के लिए गिरधर और उसकी पांचों बेटियों के सर छिपाने का वही एक आसरा था। बापू, आज आप घर पर ही हैं, रद्दी बेचने नहीं गए? बस जा ही रहा हूँ। गिरधर गांव-गांव जाकर रद्दी खरीदता और फिर शाम को उसे बेच देता है। रद्दी खरीद बेच कर ही उस गरीब के घर की रोजी रोटी चलती थी। केबाड़ी वाला लोहा प्लास्टिक ले आओ अपने घर की रद्दी पास लो। तभी रघु ढेर सारी शराब की बोतलें लाकर उसे देता है। उस पल रघु नशे में धुत था, उसके मुंह से शराब का तेज भपका उठ रहा था। ये लो गिरधर, क्या का और बताओ इसका कितना माल पानी दोगे? गिरधर बोतल के बदले उसे 10 रुपए निकाल कर दे देता है। इतनी सारी रद्दी बोतल के बदले बस 10 रुपया, ये रखो और मुझे अपनी पांचों बेटी दे दो। रघु की ये मांग सुनकर गिरधर गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेता है। कमीने, तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी फूलों सी बच्चियों की शादी तुझ जैसे लोफर लफंडर से करेंगे? मुझे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़, मेरे पे काई को गर्मी झाड़ता है साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो पांच पांच जवान बेटे को घर में बैठा रखा है और शराबी हुआ तो क्या, रानी बना के रखूंगा तेरी बेटियों को, शादी का जोड़ा भी मैं बनवाऊंगा और शादी का खर्चा भी उठा लूंगा, अब खुश? गिरधर रघु की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। जहां जमाने को किसी गरीब की इज्जत पर उंगली उठाते देर नहीं लगती, वहीं एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब किसी पिता की बेटी जवान होती है तो परिवार की नजर से पहले जमाने की नजर इस बात पर पहले होती है। अब दिन रात गिरधर को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी और फिर गिरधर अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगा। अगले दिन हरि प्रसाद का परिवार गिरधर की बेटियों को देखने आने वाला होता है। राधा, सुमन, ज्योति, गौरी, आरती, बेटी, कल तुम पांचों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। जी पिताजी। पांचों बेटियां कमरे में रखा एक टूटा फूटा संदूक खोलती हैं, जिनमें 2 साड़ी रखी होती हैं। सुमन दीदी, इसमें तो सिर्फ 2 ही साड़ी है,
और ये दोनों साड़ी बहुत ही पुरानी और फटी हुई भी हैं। हम इसे कैसे पहनेंगे? तुम चारों चिंता मत करो, मैं चंदा चाची से साड़ी मांग लाती हूँ। कल जब लड़के वाले देखने आएंगे तो हम वही पहन लेंगे। चंदा बहुत ही नेक दिल औरत थी, इसलिए वह उन्हें साड़ी दे देती है। अगले दिन पांचों की शादी पक्की हो जाती है और अब उस गरीब पिता के घर में पांचों बेटी की शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरधर के पास जितने भी पैसे थे वह शादी के टेंट और हलवाई बांधने में खर्च हो जाते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन भी पास आ जाता है। फटी पुरानी साड़ी में ही गिरधर की पांचों बेटियों की हल्दी और मेहंदी होती है। टेंट बुक हो गया, हलवाई भी बुक हो गया, पंडित जी को भी न्योता दे दिया, मगर अभी भी कुछ छूट रहा है। हमारा शादी का जोड़ा बाबूजी। ये कहते हुए गिरधर की बेटियां उसके पास आती हैं। हे भगवान, तुम पांचों की शादी का जोड़ा तो मैंने खरीदा ही नहीं, मगर मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गया। और पंडित जी ने कहा था कि शादी का जोड़ा कोरा होना चाहिए। मैंने सारे पैसे शादी में लगा दिए। तुम्हारे गरीब पिता के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब इस समय किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? मैंने इतनी जल्दी जल्दी में तुम पांचों की शादी तय की ताकि मेरी बेटियों के दामन पर दाग लगने से पहले तुम पांचों की इज्जत के साथ इस गरीब बाप के घर से विदाई हो सके, मगर बगैर शादी के जोड़े के कैसे करूंगा मैं तुम पांचों का कन्यादान। शादी का जोड़ा ना खरीद पाने की कमी पर बेबस होकर गिरधर अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रोने लगता है। अपने गरीब पिता को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसकी पांचों बेटियों की आंखें भी भर आती हैं। तभी पांचों बहनों में सबसे छोटी गौरी गिरधर को चुप कराती है। आंसू पोंछ लीजिए पिताजी, मत रोइए। आप देखना, आपकी पांचों बेटियों का ब्याह शादी के जोड़े में ही होगा। हमारी डोली भी उठेगी और विदाई भी होगी। हम आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगी। कल की सुबह होने में आज की पूरी रात है। हाँ, मगर एक रात में शादी का जोड़ा कहाँ से आएगा? बिना पैसे के कैसे खरीदेंगे हम शादी का जोड़ा? खरीदेंगे नहीं बाबूजी, बनाएंगी। सुमन दीदी, आरती दीदी, अर्पिता दीदी, ज्योति दीदी, आप चारों को याद है? पूरे सिलाई सेंटर में एक हम पांचों बहन थी जो पिताजी के दिए रद्दी अखबार पर सिलाई सीखती थी, क्योंकि हमारे पास सिलाई सीखने के लिए थान के कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। तो जब हम अखबार से कपड़े बना सकते हैं तो पत्तों से क्यों नहीं? तो तुम ये कहना चाहती हो गौरी कि हम अपनी शादी का जोड़ा पत्तों से बनाएंगे? हाँ ज्योति दीदी, अब हम पत्तों से शादी का जोड़ा बनाएंगे जिसे हम पांचों बेटियों को पिता के साथ साथ प्रकृति के आशीर्वाद के साथ विदाई मिलेगी। फिर पांचों बहनें ढेर सारे बड़े और चौड़े चौड़े पत्ते तोड़कर उन्हें टोकरी में इकट्ठा करके घर लाती हैं और सारी रात जागकर आंखें गड़ाए हुए उन पत्तों से अपनी शादी का मनपसंद जोड़ा बनाती हैं, जिसमें राधा और सुमन अपने लिए लहंगा बनाती हैं तो वहीं आरती और ज्योति साड़ी और ब्लाउज बनाती हैं और गौरी अपने लिए शादी के जोड़े में बहुत ही सुंदर गाउन बनाती है। वहीं गिरधर बांस से घर के आंगन में शादी की मंडप बनाता है। अगली सुबह गिरधर जब अपनी बेटियों के पत्तों से बनाए हुए शादी के जोड़े को सजाने के लिए बहुत सारे रंग बिरंगे फूल पत्तियां लाकर उन्हें अपने हाथों से सजाकर और भी ज्यादा सुंदर बना देता है, जो कि पांचों बहनों को बहुत पसंद आता है। मेरी बेटियों, तुम पांचों ने बहुत ही सुंदर जोड़ा बनाया था, मगर इस शादी के जोड़े में एक अधूरापन, एक खालीपन था, जिसे तुम्हारे गरीब पिता ने फूलों से सजाकर अपने प्यार से भर दिया है। जानता हूँ ये शादी का जोड़ा लाखों का नहीं और ना ही इसमें सोने चांदी जड़े हैं, मगर ये फूल इस शादी के जोड़े के नग हैं। पिताजी, ये शादी का जोड़ा हम पांचों के लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें हमारे लिए हमारे पिता का प्यार भरा है। आखिर में पांचों बहनें पत्तों से बना शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आती हैं, जहां पूरा गांव उस गरीब पिता की पांचों बेटियों के शादी के जोड़े को देखते ही रह जाता है। और कन्यादान करके आखिर में पांचों अपने पिता के पैर छूती हैं और गिरधर खुशी खुशी अपनी बेटियों की विदाई करता है। जुग जुग जीती रहो मेरी बच्चियों, सदा सुहागन रहो। जाओ,
तुम्हारा गरीब पिता तुम पांचों को दिल से आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे ससुराल का घर आंगन खुशियों से भरा रहे। इस तरह एक गरीब पिता के घर से उसकी पांचों बेटियों की विदाई हो जाती है। मगर गिरधर जैसे जाने कितने गरीब बाप हैं जिनकी बेटियों की डोली उठना अभी बाकी है। सोनपुर नामक एक गांव में गंजी माँ बेटी सरोजनी और राधा रहते थे। शुरू से ही वो टकली थी, इसलिए आसपास के लोग उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। साथ ही वो बहुत गरीबी में अपने घर पर छोटी सी खेती करके अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे ही सुबह के समय अपने आंगन में मुरझाए पेड़ पौधों को देखकर सरोजनी कहती है, हे भगवान, हम जो इतने समय से मेहनत कर रहे थे और इसी से काम चला रहे थे वो सब बर्बाद हो गया। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी भी इस छोटी मोटी खेती करने में लगा दी, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। अरे माँ, हमारी गाजर मूली धनिया मिर्ची की फसल कैसे खराब हो गई, अब हम बाजार में क्या बेचेंगे, हमारे पास तो आज रात खाने के लिए राशन भी नहीं है। लगता है अब हमें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारी खुद की छोटी फसल तो खराब हो गई। हमारी सूरत ऐसी है कि कोई हमें काम देगा भी या नहीं देगा। आप हार मत मानिए, चलो हम दोनों बाहर काम ढूंढने चलते हैं क्योंकि गुजारा तो करना ही होगा। हाँ बेटा, ऐसा कहकर दोनों गंजी माँ बेटी अपने सर पर चुन्नी से ढक कर बाहर काम मांगने जाती हैं, जहाँ जान पहचान के लोग उनकी शक्ल देखकर उन्हें काम नहीं देते। फिर वो थोड़ी दूर और जाती हैं, जहाँ दोनों माँ बेटी को एक बड़े से बंगले में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। कल से काम पर मत आना, आज से ही काम करना शुरू कर दो, ठीक है? ठीक है मालकिन जी, बताइए अभी क्या क्या काम करना है। ये 2 हफ्तों के कपड़े पड़े हैं, जरा इन्हें अच्छे से और ध्यान से साफ करो। और ये तुम्हारी बेटी है ना, इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं कि इसने शादी की है। तो अभी से ही सर पर दुपट्टा क्यों रखा, मेरे घर पे कौन सा धूप लग रही है? वो मालकिन, इसने अरदास लगाई है मंदिर में, तो ये कुछ समय तक दुपट्टा नहीं हटा सकती है, और मैं भी। ठीक है ठीक है, और तुम बाहर पौधों में पानी दे दो, उसके बाद मेरे लिए चाय बनाकर ले आना, ठीक है? जी मालकिन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपकी लंबी चोटी तो बहुत अच्छी है, आप ऐसा क्या करती है मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी ऐसे ही अपने बालों का ख्याल रखूं। मेरे बाल अच्छे इसलिए हैं क्योंकि रोज रात को मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, उससे ही मेरे बाल चमकते हैं। शुक्रिया मालकिन, अब हम काम करते हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ काम करने लगती हैं। 1-2 हफ्ते तक सब कुछ अच्छा चलता है। मालकिन को उन दोनों माँ बेटी के गंजी होने की बात पता नहीं चलती। वो अच्छे से रह रहे थे, पर एक दिन बाहर का मौसम इतना खराब होता है कि मालकिन के घर की खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती है। आसपास का हल्का फुल्का सामान गिर जाता है। ये देखकर रितिका कहती है, अरे राधा सरोजनी, जल्दी आओ, देखो सारा सामान टूट रहा है, खिड़की दरवाजे बंद करो। आई मालकिन। राधा बेटा, जल्दी से सारी चीज बंद कर, बहुत ही धूल उड़ रही है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी सारे खिड़की दरवाजों को जब बंद करती हैं, उससे पहले ही उन दोनों के सर से वो दुपट्टा उड़ जाता है, जिस कारण रितिका उन दोनों को टकली के रूप में देख लेती है और डर कर कहती है, चुड़ैल, नहीं नहीं नहीं, गंजी हो तुम दोनों, तो इसलिए तुम दोनों ने अपने सर से इतने समय से दुपट्टा नहीं हटाया था ना। माफ कर दीजिए मालकिन, हम मजबूर थे अपना सर छुपाने के लिए। इसका मतलब तुम दोनों वही गंजी माँ बेटी हो जिसके बारे में पूरे गांव वाले चर्चा करते हैं। मुझे तुम दोनों गंजी को अपने घर में काम नहीं देना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये शब्द सुनकर दोनों माँ बेटी अपनी मालकिन के पैरों में पड़कर रोने लगते हैं। मालकिन मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, हमें कोई भी काम नहीं दे रहा था, अंत में आपने काम दिया है, मैं कमाऊंगी नहीं तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। हाँ मालकिन जी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें यहाँ से मत निकालिए। अरे जब तेरी बेटी गंजी है तो कौन इससे शादी करेगा, नहीं मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना, और ये लो अपने कुछ दिनों की पगार, मैं गरीबों का पैसा नहीं मारती। ऐसा कहकर रितिका उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देती है। बाहर आकर दुखी माँ बेटी कहती है, लगता है हम ऐसे ही दर दर की ढोकरे खाते रहेंगे, वैसे भी हम गंजे हैं, कोई हमसे ठीक से ना बात करता ना हमारी मदद करता, और अब काम भी नहीं रहा, इन पैसों से घर का राशन आ जाएगा 2-4 दिन के लिए। माँ परेशान मत होइए। तभी एक बूढ़ी औरत उससे टकरा कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बेटा मेरी मदद करो, मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे उसके लिए खाने पीने की कुछ चीजें ले जानी है, बेटी मुझे पैसे दे दो। आप फिक्र मत कीजिए, ये पैसे ले लीजिए। मेरे भी पैसे ले लीजिए अम्मा।
तभी वो औरत पैसे लेकर चली जाती है और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कुछ देर बाद वो औरत दोनों को मंदिर के पास देख कर कहती है, बेटिया तुमने मेरी मदद करी, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ और नहीं है, ये मेरा जादुई तेल है। अगर तुम दोनों इसे अपने सर पर लगाओगी तो तुम्हारी जादुई चोटी आ जाएगी जो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। क्या सच में? हाँ बेटा। तभी गंजी माँ बेटी उनका शुक्रिया अदा कर घर लौट आते हैं और उस जादुई तेल को लगाते हैं, जिसके बाद अगले दिन उनके सर पर जादुई चोटी आ जाती है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। अरे राधा बेटा देख, तेरे सर पर ये मोटी चोटी आ गई है, तू बहुत प्यारी लग रही है। वाह माँ, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो, चलिए इसका जादू आजमा कर देखते हैं। हे जादुई चोटी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें खाना दे दो। राधा के ये कहते ही एक चमकती हुई रोशनी में उसकी जादुई चोटी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकलता है, जिसे देखकर माँ बेटी कहती हैं, अरे वाह, इस जादुई चोटी से तो सच में कमाल हो गया। वो बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी थी जो हमारा भला करके चली गई। आ जा बेटा, दोनों खाना खाते हैं। हाँ माँ, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना देखा है। तभी दोनों माँ बेटी भरपेट खाना खाती हैं कि जोर जोर से बारिश होती है, जिसकी बूंदें उनकी झोपड़ी में भी गिरती हैं, वो गीले हो जाते हैं। फिर सरोजनी कहती है, ओहो अब तो पूरे भीग गए, अब जादुई चोटी हमें बचाएगी। जादुई चोटी हमारे टूटे फूटे घर को नए घर में बदल दो। उसके ये कहते ही जादुई चोटी से एक तेज रोशनी में पूरा घर बंगले में बदल जाता है, जिसे देखकर माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। साथ ही जादुई चोटी से घर में सारा सामान मौजूद हो जाता है। जब उन्हें बाहर जाना होता है तो राधा कहती है, माँ अब भी क्या हम ऐसे पुराने कपड़े ही पहनेंगे? चलो जादुई चोटी से नए कपड़े मांगते हैं। हे जादुई चोटी, माँ को नई साड़ियाँ और मुझे सलवार सूट दे दो। राधा के इतना कहते ही उसकी जादुई चोटी से नए नए कपड़े और साड़ी निकलती है, जिसे पहनकर दोनों माँ बेटी जब बाहर जाती हैं तो गांव के लोग उन्हें घूर कर देखते हैं, और ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। तभी लोग उसे रोक कर कहते हैं, अरे गांव वाले जरा गौर से देखिए, ये गरीब गंजी माँ बेटी अचानक से इतने पैसे वाली हो गई कि महंगी साड़ी कपड़े और तो और इनके सर पर बाल भी उग गए, मुझे तो बड़ा झोल लगता है। वही तो, झोल क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है गांव के मंदिर में जो चोरी हुई थी वो दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही की है। मंदिर के धन संपत्ति से इन दोनों ने नकली माल खरीद लिए और उन पैसों से ऐश कर रही है। इतना ही समय चोरी को हुआ है और इतना ही टाइम इन दोनों को भी हुआ है। अरे काकी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। नहीं नहीं, यही है चोर, मारो इन दोनों माँ बेटी को मिलकर। ऐसा कुछ मत करो, ये सब झूठ है। दोनों माँ बेटी अपनी बात सामने रखती हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता, उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी सरोजनी अपनी जादुई चोटी से कहती है, हे जादुई चोटी इन पत्थरों से हमारी रक्षा करो। माँ बेटी के इर्द गिर्द एक बड़ा सा गोला बनता है जिसमें उन्हें एक भी पत्थर नहीं लगता। ये देख कर गाँव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी चोटी जादू कैसे कर सकती है। यही बात हम दोनों आपको इतनी देर से बताना चाहते हैं कि एक बूढ़ी औरत की मदद करने पर हमें बदले में जादुई तेल मिला, जिसे लगाकर हम दोनों पर जादुई चोटी बन गई। हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत गंदा आरोप लगाया। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना तुम दोनों। आप माफी मत मांगिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह गांव के सभी लोग शर्मिंदा होकर दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं और दोनों माँ बेटी जादुई चोटी के साथ खुशी खुशी रहती हैं, साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती।